जयपुर जिले में 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदर्श नगर में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण झरवाल, आदर्श नगर के प्रभारी डॉक्टर रवि उपाध्याय, डीपीओ डॉक्टर विक्रम सिंह और अन्य चिकित्सा स्टाफ उपस्थित रहे। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के साथ साथ निजी और सरकारी विद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों और मदरसों में भी बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। 17 अगस्त को मोपअप दिवस भी मनाया गया, जिसमें उन बच्चों को दवाई दी जाएगी जो इस अभियान में छूट गए होंगे। उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण झरवाल ने बताया कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 400 mg की गोली को आधी कर पानी के साथ मिलाकर दी गई। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली चूर कर दी गई, जबकि 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों को पूरी गोली चबा कर खुराक दी गई। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। इस दिवस पर सभी 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की एक गोली खिलाई जाएगी। सिर्फ जो 1 साल से 2 साल के बच्चे हैं उनको आधी गोली दी जाएगी, बाकी 2 साल से ऊपर वाले सभी बच्चों को एक गोली दी जाएगी। ये गोली सारे पीएससीज पे, यूपीएससीज पे, सब सेंटर्स पे, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, सब जगह आज ये दवाई दी जाएगी। और मैं सभी माता पिताओं को ये अपेक्षा करता हूँ कि अपने बच्चों को स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में ला के ये दवाई दें और किडनी से मुक्ति पाएँ। जैसा कि सीएमएचओ सर ने बताया कि ये कृमि मुक्ति दिवस हम 10 तारीख और 17 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें मॉपअप राउंड होगा। आज सभी 1 से 19 साल के बच्चों को दवा दी जाएगी, जो सभी केंद्रों पर दी जाएगी। सब जगह आईसी और दवाएं उपलब्ध करा दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र, निजी चिकित्सालय, निजी विद्यालय, राजकीय विद्यालय, सभी जगह उपलब्ध करा दी गई है। इसके बाद जो शेष रहे बच्चे हैं उनको मोपअप राउंड पे 17 अगस्त को ये दवा दी जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि समस्त स्कूल और आंगनबाड़ियों पर ये सभी बच्चों को, 1 से 19 साल के बच्चों को